dear students assalamu alaikum last time we learned how to create a job in quickbooks and now we know that a project which we are executing for a customer is known as a job in quickbooks and you can do all accounting maintaining records there is all information that you need against a job and for a customer within quickbooks जब भी हम जॉब क्रिएट करते हैं हम उसमें तमाम ट्रांजेक्शन्स जो उस जॉब के अगेंस्ट हो रही हैं वो हम स्टोर करते रहते हैं जब तक कि वो जॉब कम्प्लीट ना हो जाए या किसी वजह से भी इख्ताम पजीर हो जाए या रुक जाए ये इंफॉर्मेशन हम लेटर ऑन प्रोसेस भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं एंड एवरी थिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू मेटेन दिस जॉब विद इन योर क्विक बुक्स बज दफ़ा हम जॉब तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये जॉब हमको अवॉर्ड नहीं हुआ जो जॉब हमें अवॉर्ड नहीं हुआ अगर उसकी इन्फॉर्मेशन पर्टेन्ट है बहुत ज़रूरी है तो हम उसे मेंटेन कर सकते हैं और अगर वो एक रिपोटेटिव किस्म का जॉब था जिसके लिए हमने बेट की थी और हमें नहीं मिल सका तो वी कैन ऑलवेज़ डिलीट अ जॉब और हम सिर्फ वो जॉब रखें जो हमें अवॉर्ड हो गए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जॉब जिसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड नहीं है उसको हम डिलीट कर दें हमें जॉब डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है हो सकता है कि हम एक ही टाइप के जॉब्स मुख्तलिफ लोगों को बिट करते हैं बाज हमें मिल जाते हैं और बाज हमें नहीं मिलते तो जो जॉब्स हमें नहीं मिलते और जो सिमिलर टाइप और जॉब्स पहले से हमारे डेटाबेस में मौजूद हैं तो हम खाम खां इतने सारे जॉब्स जो हमें अवार्ड भी नहीं हुए और सिमिलर हैं टू तो ऑल प्रीवियस जॉब्स उसको हमें मेंटेन करने का फ़ायदा कोई नहीं है और हमारे पास खाम में एक लंबी जॉब लिस्ट अगेंस्ट अ क्लाइंट मौजूद हो सकती है तो जब भी ऐसा हो वी कैन ऑलवेज डिलीट अ जॉब विच वी नो लॉन्गर नीड लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि इस जॉब के अगेंस्ट कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुई हो हो सकता है ये जॉब स्टार्ट ही ना हुआ हो लेकिन हमने क्रिएट कर लिया हो और ये किसको किसी को भी अवॉर्ड ना हुआ हो हो सकता है ये जॉब हमने बेट किया हो लेकिन हमें ना मिला हो इन एनी केस वेन एवर देर इज अ जॉब विच यू नीड टू डिलीट फ्रॉम योर डेटा बेस यू कैन डू इट एज यू वेल नो योर वे टू योर कस्टमर सेंटर इज सिंपली बाई क्लिकिंग ऑन कस्टमर जैसे आप कस्टमर में क्लिक करेंगे आप कस्टमर सेंटर में पहुँच जाएंगे अब हमारे पास एक कस्टमर जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था ज़ीशान उसके हमने तीन जॉब्स क्रिएट किए थे एक हाउसिंग स्कीम थी और दो प्लाजे थे उनमें से एक प्लाजा उसके अगेंस्ट तो हमने उसको बिल कर दिया इसका मतलब ये है कि ये वो जॉब है जिसकी ट्रांजेक्शन आनी शुरू हो गई है जब आप इस जॉब को डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा क्विक बुक्स नॉट डिलीट दिस नेम बिकॉज इट हैज़ अ बैलेंस और इट इज़ यूज इन एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन इस जॉब को हम डिलीट नहीं कर सकते लेकिन हम उस जॉब को जरूर डिलीट कर सकते हैं जिसमें कोई ट्रांजेक्शन ये बैलेंस मौजूद नहीं है ये पॉसिबल है कि हमें ये दूसरा जॉब ना मिला हो या ये जॉब स्टार्ट ही ना किया हो और हम इसके ऊपर बिट करने के बाद इस जॉब को हमने विन नहीं कर पाए सो वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन डिलीट दिस जॉब फ्रॉम आर जॉब लिस्ट लेकिन बिफोर वी डू दैट वंस अगेन प्लीज हैव अ लुक एट दिस लिस्ट हमारे पास जीशान के अगेंस्ट तीन जॉब्स चल रहे हैं एक जॉब में ट्रांजैक्शन मौजूद है बाकी जॉब्स में ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई और उनमें से हम एक जॉब अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन वाले जॉब जब हमने डिलीट करने की कोशिश की थी तो उसने हमें रोक दिया था आइए अब हम वो जॉब डिलीट करते हैं जो कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है हमसे क्विक बुक्स हमेशा कोई भी एक्शन लेने से पहले कंफर्मेशन ज़रूर लेगा बग़ैर कंफर्मेशन के ना ये डिलीट करेगा ना ऐड करेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस कस्टमर जॉब ओके नाउ सिंस देर वॉज नो ट्रांज़ेक्शन एसोसिएटेड विद दिस जॉब दिस जॉब वॉज डिलीटड फ्राम द कस्टमर लिस्ट क्योंकि इसके साथ कोई भी किसी कस्म की ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी इसलिए हमने बसानी इसको अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया बज दफ़ा से हमने ये देखा है कि ऐसे जॉब्स भी हम कर रहे होते हैं जो कि किसी भी वजह से वो रुक जाते हैं और काफ़ी देर तक रुके रहते हैं उसकी बेसिक वजह लिटिगेशन भी हो सकती है स्टे ऑर्डर भी हो सकता है और भी बहुत सही वजूहत हो सकती हैं लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट तात्तुल का शिकार हो जाए तो हम उसकी अकाउंटिंग तो रखना चाहेंगे लेकिन अपने प्रोजेक्ट लिस्ट में उसे शायद ना देखना चाहें ऐसे जॉब में जिसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शनें मौजूद हैं है। लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल ही गैर ज़रूरी हो गया और हम उस पर मज़ीद अकाउंटिंग नहीं करना चाहेंगे टू मेक श्योर कि कोई गलती से भी उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन एंटर ना कर दे वॉट वी कैन डू इज मेक दैट जॉब इनएक्टिव जब किसी जॉब को आप इनएक्टिव बना देंगे तो वो जॉब आपकी जॉब लिस्ट से गायब हो जाएगा लेकिन उसकी तमाम डिटेल ट्रांजेक्शन बैलेंसेज वुड बी केप्ट सेफ इन योर क्विक बुक्स और अगर कोई रिसिवेबल आपके कस्टमर के अगेंस्ट है तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर कस्टमर्स अकाउंट्स ऐसे जॉब्स जो कि हम डिलीट कर चुके हैं उनको हम अनडिलीट नहीं कर सकते लेकिन याद रहे कि जो जॉब हम इनएक्टिव कर देते हैं वो एज इन विन रिक्वायर्ड वी कैन मेक देम एक्टिव अगेन हो सकता है कि लिटिगेशन के बाद वो जॉब दोबारा से एक्टिव हो जाए or Jabbiwo active, you can simply make it active and start accounting again. We'll see how that is done in our later lectures.